अस्सलाम वालेकुम, होप करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम के बाद आप मैं नज़र आ रही हूँ अपने किचन में, और किचन में इसलिए नज़र आ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नाश्ता बनाना है। आज हॉस्पिटल नहीं जाना, संडे, बच्चे घर पर हैं, तो बच्चों को भी नहीं दिखाया, काफ़ी टाइम हो गया और कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना सकी हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज छोटी मोटी थोड़ी सी रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब ये है कि सिदरा गई है ब्रेड लेने के लिए, मैंने चाय रखी है और अभी हम करेंगे नाश्ता, और उसके बाद हम जो है हाँ बच्चों से भी आज मिलवाना है मुझे आपसे, और शाम तक आपके साथ थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा शूट करना है और आपसे शेयर करना है, साथ रहिएगा। अच्छा, ये है कि बच्चे जो है ना अंडा नहीं खाते सुबह में, और इस वजह से जो बच्चों का ना प्रोटीन मिस हो जाता है। अभी स्कूल जा रहे थे तो बस वही चाय पराठा। अभी भी छुट्टियां हैं तो चाय के साथ ही नाश्ता करना है, अंडा नहीं खाते। तो मैंने फिर जो है अभी सुबह उठते ही ये तीन अंडे मैंने बॉयल कर लिए इन तीनों के लिए, क्योंकि ये पहले मैंने अभी इनको देना है, अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाना। चाय मैंने रख दी है, हल्की आंच कर दी है, अभी पहले मैं इनको बॉयल अंडे दूंगी और उसके बाद जो है फिर ये नाश्ता करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नाश्ता दे दिए ना फिर ये अंडे नहीं खाएंगे। और बच्चों के लिए इस वक्त जो है ग्रोइंग एज है इनकी, इनको प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे नहीं लेते यार। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बच्चों की हाइट, वेट, इन सारी चीज़ों के लिए, मेंटली ग्रोथ के लिए सारे फूड आइटम्स का होना बहुत ज़रूरी है। सिद्रा गई थी ब्रेड लेने, आ गई है, तो बस अभी मैं ये इनका अंडे इनको देती हूँ, देन फिर मैं इनका नाश्ता बनाती हूँ। ये अंडे जो मैंने पीसेस में काट दिए हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें जो है वो लाहौरी नमक है जो कि मुझे सजेस्ट किया है डॉक्टर से, जो मेरे रेडिएशन वाले डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप ये वाला नमक यूज़ करें। तो बस ये वाला नमक घर पे आया है, तो मैं बाकी जो है बच्चों के लिए भी या पूरा जो भी खाना बनता है घर का मैं उसमें यही यूज करती हूँ। उसमें ये मशीन दी हुई है, उसको आप ऐसे ही यूज करें, घुमाएँ, तो इस तरह जो है नमक निकलता है। तो ये जो इतना मोटा नमक है यहाँ से इसको मूव करने से जो ये बारीक सा नमक निकलता है। अभी भी वैसे नमक मोटा ही है, सही है। अभी इसमें मोटा लग रहा है ना, लेकिन जब ये खाने में डालते हैं तो वो फिर वो घुल जाता है, फिर मोटा नहीं होता है। और दूसरा ये है कि शाम को 5 बजे आप लोगों ने तीन ओरे नीचे उतरना है, फिर जाके बैठें, आप धूप खाएं, हवा खाएं, खेलें, जो भी करें। सुन रहे हो ना, 3-4 दिन से वो बोल रही हूँ लेकिन तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो उस बात को। आप रोज़ जाती हो, चीज़ लेके आ जाती हो। अच्छा, हमारी यूट्यूब फैमिली को सलाम तो करो, इतने दिनों से आप लोगों ने सलाम ही नहीं किया। चलो और आज मैंने सोचा कि आज संडे है, आज सब घर पर हैं, तो आज हम प्रॉपर छोटा सा व्लॉग बनाते हैं। और साथ की क्या परसेंटेज रही भाई, बताओ तो सही। 84% आई है। और एनुअल इवेंट में आपने होस्ट किया था, अच्छा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, होस्ट करना कैसा लग रहा था, सबके सामने माइक पे बोलना? सही लग रहा था, इतने भी बंदे नहीं थे, लेकिन एक दो फाटकने वाला था, लेकिन फिर याद आ गया था। अच्छे से बोल लिया था। सही, सिद्रा की परफॉर्मेंस कैसी रही? गुड। क्लास में बहुत मिस्टेक करती थी पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं की, जब परफॉर्मेंस की बारी आई। अच्छा, जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो उसमें मिस्टेक नहीं की। चलो के आओ सिद्रा, जो खदीजा जो है वो यहाँ वहाँ पे किचन में जो है ना फिर से ब्रेड सेक रही है,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोप खाती है। मैंने तो कर ली थी लेकिन उसको पसंद नहीं आ रही। आई ये दिखा देती मैं। नाश्ते के बाद कौन पानी पीता है? नहीं हंसो नहीं ना, रूटीन बनाओ ना नाश्ते से पहले पानी पीने की। अच्छा वापस रखो उसको, भर के रखो खदीजा, भर के रखो बच्चे। तुम लोगों को ही पीना होता है, मैं तो ठंडा पानी पीती नहीं। नमक अभी तक यहाँ पड़ा है। हाँ भैया अपने बर्तन उठाओ और साथ में नमक भी ले जाओ। जनाब संडे का दिन चल रहा है, सुबह आप लोगों से बात हुई थी नाश्ते के टाइम पे, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि कुछ काम था, कारपेंटर को बुलाया था और वो आधा काम हो गया, अभी आधा कल होना है। तो सारे दराज खाली करना शेल्फ़ के और ड्रेसिंग टेबल के, उनको जो है ठीक करवाना था उनको, क्योंकि वो डिसबैलेंस हो रही थी, उनकी पट्टियाँ ख़राब हो गई थी। तो सारा दिन उसी में गुजर गया और अभी जो है बीच में लंच भी हुआ, इनके बाबा भी आए हुए थे और अभी ये गए हैं एटीएम पे, अभी हम निकलेंगे और अभी सामान लेना है क्योंकि ये जा रहे हैं विज़िट पे, ऑफिशियल विज़िट पे, एक हफ़्ते बाद वापसी होगी। तो मुझे उस हिसाब से अपने घर का सारा सामान वगैरह लेना है। साध और सदरा घर पर हैं, ये मैडम साथ में आई है, तो बस अभी थोड़ी देर में ये आते हैं तो फिर हम चलेंगे ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी ले ली हमने और अभी सामने खदीजा और उनके बाबा नज़र आ रहे हैं। मुझे टैबलेट्स ख़त्म हो गई थी मेरी, वो मंगवाई हैं मैंने उनके। फिर ये होता है कि कल से हॉस्पिटल जाना है और फिर हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, उसके बाद फिर कहीं गर्मी इतनी शदीद है बहुत मुश्किल हो जाती है बाकी दूसरी चीज़ें मैनेज करना। तो बस ये है कि आप सारे काम निपटाने हैं। इसके अलावा ना ये यहाँ पे, ये मेरे घर से ना 3 से 4 मिनट की डिस्टेंस पर है, यहाँ पर फर्नीचर मार्केट है बहुत बड़ी, अंदर ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स हैं और नीचे जो है ना फर्नीचर मार्केट है। तो ये वाला जो झूला है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बड़ा शौक है मुझे ये लेने का, उसको लाउंज में रखने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद ना मैं ज़रूर लूँगी ये। इसके अलावा आगे छोटे छोटे भी लगे हुए हैं वो यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे बेड और कुछ चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरी क्योंकि कल मंडे और फ्राइडे, मतलब कल से फ्राइडे तक मेरी 5 लास्ट जो रेडिएशन्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मेरी वही जो मेडिसिन चल रही है वो चलेगी 5 साल तक इंजेक्शन, और बस ये ट्रीटमेंट का लास्ट प्रोसीजर था। पहले डायग्नोस हुआ, टेस्ट हुए, फिर उसके बाद जो है केमो, फिर सर्जरी और ये फाइनल रेडिएशन चल रही है। बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख करम है और बस रब से, मालिक से यही दुआ है कि आगे सब कुछ ठीक रहे और अल्लाह ना करे कि फिर दोबारा कहीं और ये सिस्ट्स बने और फिर से ये बीमारी कहीं बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में हो। खुदा दुश्मन को भी ना दे, ये बीमारी बहुत बुरा तकलीफ दे, पेनफुल इसका ट्रीटमेंट था। बस अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों की दुआएँ हैं, सपोर्ट थी सबकी कि जो है पता ही नहीं चला ये 10 महीने गुजर के ट्रीटमेंट के, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है कि मालिक ने जो है दुआएं सुनी हैं और फ़िलहाल सब कुछ ठीक हो गया है। और ये फ़िलहाल का जो वर्ड मैं यूज़ करती हूँ ना, दिल पे पत्थर रख के करती हूँ क्योंकि पता नहीं आगे क्या लिखा है नसीब में, लेकिन मालिक से यही दुआ है कि जो कुछ हुआ आगे अल्लाह करे हमारे हक में बेहतर हो और अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस बीमारी से बचाए, जान छुड़ाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जनाब ये है हमारा सिंदड़िया,
और मैं इससे पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। और इसका जो है ना इतनी जल्दी ये बाहर के मुल्कों में भेज दिया जाता है कि मुश्किल से एक से डेढ़ हफ़्ता हम लोगों को ये नसीब होता है और फिर ये जो है बाहर चला जाता है। दूसरे जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो इन्जॉय करते हैं इसको। अभी इसके बाद जो आता है ना वो चौंसा है, और चौंसा जैसे ही मार्केट में आता है ना तो इसकी कमी बस स्टार्ट हो जाती है, बस ये कम फिर मिलता है हमें। तो मैं आज थोड़े ज़्यादा लेकर आई क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरी बार नेक्स्ट वीक में जब जाऊँगी तो पता नहीं ये आम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो आम जब तक होता है ना तो मेरे घर में आते हैं आम, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को सब यही वाला खाना होता है क्योंकि इसमें रेशा नहीं होता और इसका मैं छिलका उतार के पीसेस बनाती हूँ तो ये लोग जो फोर्क से खा लेते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं आम की जो चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि मेरे घर में मेरे बच्चे सिर्फ ये खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी, तो इसलिए मैं शुरू के दिनों में लाजमी कुछ भी करके ये लाजमी लेती हूँ। तो बस ये मैंगोज़ लिए, कुछ सब्ज़ी है, कुछ इसके अलावा फ्रूट है, ये सारी चीज़ें लेके अब हम घर वापस पहुँचे हैं। और ये मैडम्स जो हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम? और तुम क्या कर रही हो? ये यहाँ पे दोनों बैठी हुई हैं और साथ जो है वो अंदर है। लाइट क्यों ऑन की, ऑफ की हुई है साथ? ऐसी क्या हो रहा है? टीवी देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? वीडियोस देखते हो? रूब्लॉक्स है ना, उसी पे होती है सारी। तो जनाब ये हैं मेरे बच्चे और अभी हो रहे हैं 8 बज रहे हैं। अब मैंने रात के खाने की तैयारी करनी है और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल इंशाल्लाह फिर से हॉस्पिटल है और कल से फ्राइडे तक बस ये मेरे आखिरी विजिट्स हैं हॉस्पिटल के। उसके बाद इंशाल्लाह बस फिर ये है कि फिर हो सकता है फिर ऑफिस ज्वाइन कर लूँ मैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।